now. Oh, my soul. आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के करिया गोपालपुर गांव से आया है। यहां पर घर के बाहर इधर ईंट के टुकड़े रखे गए हैं जिसके अंदर एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप देखा गया है। ऐसे बिना वक्त गवाए हम लोग वगैरह पहुंच चुके हैं, तो चलिए चल के देखते हैं सांप कैसी स्थिति में, उसे सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करके यहाँ के लोगों को थोड़ी जानकारी देने के बाद उसे उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। कोबरा ये दिख रहा है सांप, बहुत थोड़ा सा ही है। कहाँ पर है? और यहाँ पर मैं सांप को देखने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ईंट के अंदर होने की वजह से भी दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में हम लोग एक एक करके सभी ईंट को हटाएंगे। देखो बड़े देखो बड़े में घुसने लगा संभाल के। अंदर घुसने की ट्राई तो कर रहा है और लाइट तो जो सांप है वो हमें यहाँ पर दिख चुका है और ये वाकई में काफी ज्यादा बड़े साइज का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप है। देखिए दोनों हाथ एक ही जगह पे, ओ भाई साहब, कोई भी सांप काटता तो सीधा हॉस्पिटल जाना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। चलिए इसको अच्छा छपटियात रहना, अच्छा स्पेक्टिकल कोबरा, इंग्लिश शब्द स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग, लोकल भाषा गेहूंगन, खरीश, पलटू, पद्म, कितना नाम है, इतना सारे नाम है इसके। तो कभी भी ये काटता है आप लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाना है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जो कि हमारे सारे नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, सीधा ब्रेन पे अटैक करता है ये। चलिए बहुत अच्छा, कम से कम आप लोग मारने का जो उद्देश्य नहीं रखे। कितने उतारने वाला है, कितने उतारने वाला है, बैग निकाली, बैग बैग माता जी कोई मंत्र नहीं होता है, एक तरह की ट्रेनिंग होती है केवल, कैसे इनको पकड़ना है कि सिंगल से पकड़ना है। चल जा चल जा, कहाँ से तू आई रहा, काहे में गई रहा,
दर्शन वहाँ भोले बाबा के आता है ये सब साक्षात में दर्शन देना सवेरे में झोला उठा लाई ना। अच्छा सुबह ही दर्शन हो गया। चलिए कम से कम डुलतो ना रहना है ना। हमें है दीदी कहते कुछ ले ले हम कहीं ना ऐसे कहां ऐसे जगह पे छोड़ा जाएगा जहाँ घर वर ना रहे। और यहाँ पर हम लोग इस सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ा जंगल है और यहाँ पर इंसानों का आना जाना बहुत ही कम होता है, जिससे कि सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित है और इंसान भी पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहा है, यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।